अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने सेकेंड ईयर के कोर्स आउटलाइन का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। चूँकि हमारे कोर्स आउटलाइन में हमारे जो सब्जेक्ट का मेन थीम है वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे चेंज मिस हो गया है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन वो इंट्रोडक्शन टू सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट होता क्या है, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है आईआर में, और क्या इसकी क्या फैक्टर्स हैं जो चेंज या किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे वन बाय वन करके। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट होता कैसे है, क्यों होता है और क्या वजूहात हैं। जी, पहला पॉइंट है द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज इज स्टिल फेस्ड विद मैनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ सोसाइटीज चेंज, इन विच डायरेक्शन दे चेंज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ चेंज एंड हाउ दीज फैक्टर्स एंड फोर्सेस क्रिएट दीज चेंजेस। अच्छा, सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन है सोशल साइंसेस के, कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, आईआर है, मास कम्युनिकेशन है, ये सारे डिसिप्लिन सोशल साइंसेस में आते हैं। जितने भी सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन है वो आज भी, अभी भी इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम फेस्ड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन फेस्ड कर रहे हैं कि सोसाइटीज किस तरह चेंज होती हैं, उनके चेंज होने के क्या डायरेक्शंस हैं, मतलब क्या डायमेंशंस हैं जिसके तहत सोसाइटी में एक चेंज आता है, ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक सोसाइटी में चेंज आता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ चेंज, वो फैक्टर्स क्या हैं, वो एलिमेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, और हाउ दीज फैक्टर्स एंड फोर्सेस क्रिएट दीज चेंजेस। वो फैक्टर्स और फोर्सेस कैसे उस चेंज होने को क्रिएट करती है, किस तरीके से वो ऐसी चीज़ें या ऐसी वजूहात या ऐसे फिनोमेना, ऐसे फैक्ट्स पैदा कर देती हैं कि एक सोसाइटी में सोशल चेंज आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच टीच नेशंस एंड सोसाइटीज द वेज एंड मेथड्स ऑफ हाउ दे कैन डील विद देयर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ तक हम पहले बात करते हैं कि ये पहले तो ये बहुत एक्सट्रीम सब्जेक्ट है, चूंकि सोशल चेंज और डेवलपमेंट के बारे में है, तो चेंज तो बाय द टाइम आता है, जब से निज़ाम चला है, दुनिया का निज़ाम जब से चला है उसमें चेंज आया है। पहले इंसान इस तरीके से इतने डेवलप नेचर में नहीं रहता था, बहुत क्या कहते हैं पत्थरों वाली जिंदगी से लेके आज तक टेक्नोलॉजी का जो पीरियड है, इस पूरे सफ़र में, इस पूरी जो भी एवोल्यूशन हुई है, जो भी डेवलपमेंट हुई है, उसमें चेंज आया है तभी वो डेवलपमेंट हुई है। इसी तरीके से आगे भी सोसाइटीज़ में क्योंकि चेंज आता रहेगा, चेंज अनअवॉइडेबल है, तो उसको समझना और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट टीच करता है किसको, नेशंस को, कॉमों को और सोसाइटीज को, हमारी सोसाइटीज और नेशंस को बताता है कि ये वेज है और ये मेथड्स हैं, ये तरीकाकार है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन तरीकाकार से। वो थ्योरीज बताता है, वो डिफरेंट किस्म के और थ्योरीज और मॉड्यूल्स और वेज और पर्सपेक्टिव बताता है कि किस तरीके से आप अपनी नेशन की, अपनी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं, या किस तरीके से आप उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है, एंड बिकम अ डेवलप्ड एंड पावरफुल सोसाइटी। जो कंट्रीज़ या जो नेशन या जो सोसाइटीज़ या जो स्टेट अपने इन सारे सोशल प्रॉब्लम्स से डील कर लेता है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है विद इन सोसाइटी, आउटसाइड जो भी एक्सटर्नल इंटरनल मसले हैं, उनसे जब वो डील कर लेता है तभी वो एक ताकतवर और डेवलप सोसाइटी बन पाती है। उससे पहले वो ताकतवर और डेवलप सोसाइटी नहीं बन पाएगी। लेट्स सपोज किसी सोसाइटी में इलिटरेसी का मसला है,
वो मसला हल ही नहीं हो रहा और उनको पता ही नहीं है कि वो मसला हल कैसे होगा। तो जब तक वो मसला हल होगा ही नहीं तो वो कैसे पता चल पाएगा कि इनको इस सोसाइटी में इलिटरेसी किस तरीके से हटाई जाए। ऑब्वियसली वो नहीं समझ पाएंगे और वो उस मसले से जब टैकल ही नहीं कर पाएंगे, जब मसले से डील ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक हमें ऑब्वियस बात है, ये एक हकीकत है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कि वो इस सोसाइटीज या नेशंस हमेशा अंडर डेवलप्ड रहेंगी, वो हमेशा मतलब कि उनका निज़ाम ठीक नहीं रहेगा, वो हमेशा ताकतवर नहीं, वो वीक में आएंगी, फिर वो कमजोर रहेंगी, वो ताकतवर नहीं बन पाएंगे, वो ताकतवर और तरक्की याफ्ता सोसाइटीज नहीं बन पाएंगी, वो बल्कि कमतर और क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक हमेशा कॉन्फ्लिक्चुअल सोसाइटीज ही रहेंगी, क्योंकि उनको अपने कॉन्फ्लिक्ट से अपने प्रॉब्लम से डील ही नहीं करना आ रहा होगा। तो लिहाजा इस ये सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि एक नेशन और इस सोसाइटीज किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें और उनको डेवलप करने के लिए उनके प्रॉब्लम से डील करने का तरीका एक कार और मेथड और वेज, डिफरेंट वेज बताता है कि आप इस तरीका है, ये तरीका है, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं और एक डेवलप तरक्की याफ्ता और पावरफुल ताकतवर सोसाइटी बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, If this subject is not studied, nations are bound to repeat those mistakes that earlier nation committed. अच्छा, अगर ये subject ना पढ़ा जाए, ये subject पढ़ना important क्यों है? अगर ये subject ना पढ़ा जाए तो जो nations हैं, जो पुरानी रियासतें या जो पुरानी कौमियतें हैं, वो वही mistakes दोबारा 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 commit करती रहेंगी जब तक कि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगी नहीं। लाजमी बात है, जब तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा कि हिस्ट्री में वो चेंज आया कैसे, जो भी चेंजेस आए वो चेंज क्यों आए। जैसे कैपिटलिज्म हमेशा से तो कैपिटलिज्म का निज़ाम नहीं था, ये तो एक लिबरल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले फ्यूडलिज्म था, उससे पहले कुछ और था, स्लेवरी निज़ाम था, तो वो निज़ाम कैसे आया और वो निज़ाम गया कैसे। तो जब तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ही नहीं, जब तक हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ेंगे ही नहीं और जब तक हम उससे एक सबक हासिल नहीं करेंगे या कोई सोसाइटी उससे एक सबक हासिल उसको पढ़ के नहीं करेगी, कोई भी सोसाइटी और नेशंस, तो वो बार 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 वही गलती दोहराती रहेगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि जब स्लेवरी निज़ाम था तो अगर वो अपनी गलतियों को सीखते ही नहीं और देखते ही नहीं कि पीछे क्या हुआ था, अगर उन्होंने हिस्ट्री ना देखी होती, अगर उन्होंने चेंज के बारे में ना पढ़ा होता, अगर उन्होंने डेवलपमेंट को ना समझा होता, तो स्लेवरी का निज़ाम हट के फ्यूडलिज्म का निज़ाम आता ही नहीं। और अगर फ्यूडलिज्म वालों ने क्या कहते हैं यही मिस्टेक रिपीट की होती तो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आप निज़ाम आज देख रहे हैं ये नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उन मिस्टेक्स को रोकने के लिए, उन जो पहले गलती की गई उसको ना रिपीट किया जाए, ये सब्जेक्ट इस चीज़ की इम्पॉर्टेंट बताता है। अगर कोई ये सब्जेक्ट ना पढ़े, ये सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए तो सोसाइटीज़ और नेशंस बार 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 रिपीटेबली वही चीज़ें करती रहेंगी, वही मिस्टेक्स करती रहेंगी जो कि पहले नेशंस ने की, और वो उनका अंजाम, उनका रिजल्ट क्या होगा, फेलियर। वो कभी भी डेवलप्ड और ताकतवर रियासत, कौमियत या सोसाइटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। एंड देयरफॉर डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कॉजिंग देमसेल्फ टू रिमेन अंडर डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली वीक। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक क्या, जब आप सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जब आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, इकोनॉमिकल थ्योरीज होती हैं, सोशोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, सोसाइटिकल थ्योरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज होती हैं जो कि पढ़ के हम अपने इकनॉमी को चेंज करते हैं, हम अपने दूसरे इंस्टीट्यूशंस, दूसरे हर दूसरे एस्पेक्ट्स, जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं उससे काम करते हैं और अपने क्या कहते हैं सोसाइटी, नेशन या स्टेट को डेवलप करते हैं। अब जब हम पढ़ ही नहीं रहे कुछ और सीख ही नहीं रहे कुछ, अब सोशल डेवलपमेंट हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि सोशल चेंज और डेवलपमेंट होता क्या है, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी कभी भी क्या कहते हैं डेवलप नहीं हो पाएगी और इकोनॉमिकली वीक रहेगी। अब जब इकोनॉमिकली एक सोसाइटी वीक रहेगी ना, तो वो अपने लिए मिलिट्री डिफेंस कर पाएगी,
ठीक है, ना तो वो अपने एजुकेशन, ना तो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर पाएगा, ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट कर पाएगा, ना उसका लॉ और जस्टिस इतना मजबूत होगा, ना और ना ही क्या कहते हैं ना ही क्या कहते हैं उसका होल सोल वो एक वीक स्टेट रहेगा, उस पे दूसरे डोमिनेंट कर जाएंगे जो उससे ज्यादा पावरफुल होंगे, जो उससे ज्यादा इकोनॉमिकली क्या कहते हैं तरक्की याफ्ता होंगे, वो ममालिक उन पे डोमिनेंट हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, उनका दबदबा ज्यादा होगा। जो पावरफुल है वही तो जीतता है गेम में, आगे कौन रहता है? जो पावरफुल है वही, जो वीक है वो हमेशा पीछे रह जाता है। ठीक है, इसलिए सोशल चेंज और डेवलपमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, सेवरल की फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच ब्रिंग अबाउट चेंज। दीज इंक्लूड्स द लेवल ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, गुड गवर्नेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कल्चर्स, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज इन सोसाइटीज। अच्छा, बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करती है, और अगर इनको सही से ना इन सही से इनसे इनसे टैकल ना किया जाए तो वो सोसाइटीज डेवलप नहीं हो पाती। अब जैसे कि दी लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि अगर किसी सोसाइटी का एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है और एजुकेशन निज़ाम अच्छा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। उसको तरक्की करने के लिए अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें चेंज लाना पड़ेगा, न्यू काइंड ऑफ क्या कहते हैं मेथड लाने पड़ेंगे, न्यू काइंड ऑफ थ्योरीज लानी पड़ेगी, वेज लाने पड़ेंगे किस तरीके से वो अपना निज़ाम अच्छा करे। जब एजुकेटेड लोग, जब एजुकेशन का निज़ाम और लिटरेसी रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली क्राइम रेट कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगी, हर बंदा पढ़ा लिखा है, और एक पढ़ी लिखी कौम ही एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करती है। जाहिल कौम तो अच्छी सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकती ना, क्योंकि वहां पे जहालत है, शऊर ही नहीं है। शऊर कौन सी सोसाइटी में होगा? जहाँ पे पढ़ी लिखी अक्सरियत ज्यादा है, लिटरेसी रेट जहाँ का हाई है। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वही इकोनॉमिकल थ्योरीज होती हैं कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाई जाए, किस तरीके से ट्रेड की जाए, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ इंपोर्ट करने से, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करने से, किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को अच्छा किया जाए ताकि वो और ज़्यादा क्या कहते हैं तरक्की कर सके। क्योंकि अगर एक स्टेट की इकोनॉमी वीक है तो फिर वो वही बात, ना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ सही कर सकता है, ना तो अपने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से अपने नेशन को या सोसाइटी को डेवलप कर सकता है, वो किसी भी तरीके से अपनी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका जो मेन इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, वही खराब है। तो वो जाहिर सी बात है, लाजमी बात है, वो उन सारी चीज़ों से टैकल नहीं कर सकता जो पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक क्या कहते हैं एक सोसाइटी की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस के मिलिट्री स्ट्रेंथ से मतलब ये भी कि वो अपना दिफा कर सके, इतना उनके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो अपना होल सोल दिफा कर सके, अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उन पे कोई भी मसला, अगर उन पे कोई आफत टूट पड़ती है तो एटलीस्ट उनकी मिलिट्री जाके अपने स्टेट को, अपने सोसाइटी को, अपने नेशन के लिए डिफेंड कर सके। गुड गवर्नेंस में ये आ गया कि गुड गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जैसे आप कितनी आराम से ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं और ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद आप पे चालान कटता है, चालान आपने नहीं दिया, आप रिश्वत उसको दे दी, 100 200 पकड़वा दिए और उसने आपको जाने भी दे दिया, ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस ये है कि आपने एक रूल तोड़ा है, आपने उसका फाइन, उसका हर्जाना भरा, और अगर नेक्स्ट टाइम आप दोबारा वो रूल तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, आपको सजा मिलेगी उसके लिए। ये रूल्स एंड ऑर्डर होते हैं, इनको कहा जाता है जस्टिस होना चाहिए, अगर कोई भी चीज़ है अदल इंसाफ होना चाहिए। जब एक सोसाइटी में गुड गवर्नेंस होगी, मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगी, एजुकेशन होगी, उनकी वैल्यूज होंगी, कल्चर होंगे, आइडियोलॉजी होगी, तो ऑब्वियसली वो नेशन, वो स्टेट, वो सोसाइटी डेवलप करेगी, वो सोसाइटी तरक्की करती ही जाएगी और वो एक ताकतवर मुल्क, वो ताकतवर सोसाइटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन,
कल्चर, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज इन सोसाइटी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जैपनीज, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है चाइनीज। कैसे, किस तरीके से चाइनीज अपना अपनी उन्होंने अपनी इकोनॉमिक सबसे पहले बढ़ाई, क्योंकि आज के दौर में अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो तो आप मतलब आपके आप बिल्कुल ही खत्म है। जो जो सोसाइटी इकोनॉमिकल वीक है उसको तो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। जब तक उसको अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेगा, उसकी इकोनॉमिक्स ही ठीक नहीं होगी, तो ऑब्वियस बात है कि कि वो बेहतर अपने अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाइनीज आज भी उनकी वैल्यूज कल्चर है। चाइना ने बोला कि भाई जो चाइना में आ रहा है वो चाइनीज सीखेगा और उसको सीखनी पड़ेगी। ऑल दो आप वहाँ पे इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी बातें हैं, लेकिन क्या कहते हैं, वहां जाके अगर आपको सर्वाइव करना है चाइना में या जापान में, तो आपको बेसिक चाइनीज या जापानीज आनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों इतना जरूरी है और इसमें किस तरीके से ये आईआर में या किस तरीके से एक नेशन की, एक सोसाइटी की, एक स्टेट की डेवलपमेंट में किस तरीके से ये काम आता है। ठीक है, चले हम अपने पहले टॉपिक पे जाते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। भाई कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता क्या है, सही है? पहला पॉइंट देखते हैं। In order to understand the theories and concept of social change and developments as a discipline, it is necessary to understand the phenomena of colonialism and post-colonialism. आपको अगर social change के theories और concept को समझना है उसको as a discipline, तो आपको उससे पहले colonialism और post-colonialism का phenomena समझना बहुत ज़रूरी है। Otherwise, आप उसका आप concept आप थ्योरीज को सोशल चेंज की समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है और वो क्यों है। मतलब वो पोस्ट कॉलोनियल में क्या हुआ आपको यही नहीं पता कि पोस्ट के कॉलोनियलिज्म था क्या, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वो चेंज था क्या। चलें आइए देखते हैं। सबसे पहला है कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो पहली इसकी डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको तीनों डेफिनेशन पढ़ के और जनरली समझा देती हूँ कि क्या होता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन विच इन्वॉल्व्स द सब्जुगेशन ऑफ वन पीपल टू एन अदर। ठीक है, द एक्ट ऑफ वन नेशन कंट्रोलिंग एन अदर फॉर इकोनॉमिक गेन। ठीक है, अच्छा जी, कॉलोनियलिज्म किसको कहते थे? कॉलोनियलिज्म यूरोपियन कॉलोनीज, आपने सुना होगा कि यूरोपियन कॉलोनीज बन गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एक अच्छी मिसाल देके समझाती हूँ कि यूरोप जब वेस्ट क्या कहते हैं डेवलप हो गया और उन्होंने देखा कि भाई उनके पास कि और उनको इकोनॉमिकली खुद को और डेवलप करना था, तो जहाँ पे भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, मिनरल्स थे, ट्रेड के हवाले से उन्होंने अपने यूरोप बाउंड्रीज से वो निकले और उन बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, उन रॉ बेनिफिट से गेन करने के लिए, क्योंकि वो सिविलाइज्ड हो चुके थे, उससे प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी, कॉलोनियलिज्म का निज़ाम पैदा कर दिया। और वो निज़ाम क्या है कि वो जैसे बर्रे सगीर में आए, सब कॉन्टिनेंट में आए और उन्होंने अफ्रीका में गए, वहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल्स वगैरह लिए, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको बताया कि आपके पास रॉ मटेरियल है, चूंकि आपके पास ये सोना है, आपके पास रॉ मटेरियल्स है, आपके पास दूसरे मिनरल्स हैं, आपको निकालना नहीं आते, हम आपको आपके मिनरल्स निकाल के देंगे। और उन्हीं से लेबर करवाया, उनको दबाया जो लोग थे,
और उन पे डोमिनेशन की, जैसे ईस्ट इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट में क्या किया उन्होंने, जब सब कॉन्टिनेंट में वो आए थे इंडिया पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, वो यही आए थे, वो ट्रेड के मामले से आए थे, उनका इकोनॉमिक गेन था क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स थे, रॉ मिनरल्स थे, इस वजह से वो आए, उन्होंने हम पे हुकूमत की, इतनी हुकूमत की, और वो हम ही से ही काम करवाते थे, मतलब हम ही से मुराद के वो लेबर क्लास से ही काम करवाते थे, वहीं के लोगों से काम करवा के उन्हीं की प्रोडक्ट लेके और उन्हीं को बेचते थे कि भाई हम तुम्हें तरीका बताएंगे कि क्या तरीका है कार है, और इस तरीके से वो अपनी कॉलोनीज बना लेते थे। ठीक है, सब्जुकेशन का मतलब होता है दबाना, किसी चीज को दबाना। अब वो कौम हो सकती है, पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी चीज को दबाना और अपनी इकोनॉमिक क्या कहते हैं, डोमिनेशन, डोमिनेंट हो जाना, इकोनॉमिकली डोमिनेंट होना किसी भी कौम के ऊपर और उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, बेसिक डेफिनेशन है कॉलोनियलिज्म का। इसकी दूसरी भी एक तीसरी डेफिनेशन है, colonialism is defined as controlled by one power over a dependent area or people. It occurs when one nation subjugate another, conquering its population and exploiting it, often while forcing its own language and cultural values upon its people. वही बात कि जब वो डोमिनेंट हो गए हम पे और जब उन्होंने हम पे, हमें कॉलोनी बना ली, तो अपने रस्मों रिवाज, अपने कल्चर, अपनी चीजें वो हम पे थोप के भी चले गए। उन्होंने कहा इंग्लिश सीखो, हमने इंग्लिश सीखी, उन्होंने अपना कल्चर वेस्टर्नाइजेशन का छोड़ा, हमने वो कल्चर लिया। डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। उन्होंने अपना कल्चर छोड़ के वो यहाँ पे गए, अगर उन जाने के बाद भी आज भी हम उनके बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं, फैक्ट्स ऑफ फिनोमेना है जिसपे आज भी हम लोग क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, और वो हमने चेंज नहीं की है, हम उनके ही बताए हुए तौर तरीकों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने क्योंकि उन पे उन्होंने हमें रूल किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, नेशन को एक्सप्लॉइट किया, अपनी डोमिनेंसी दिखाई, अपना रस्म और रिवाज उन्होंने हम पे थोप दिया, अपनी वैल्यूज उन्होंने हमें बता दी, और हम उन्हीं वैल्यूज को कुछ हद तक डेमोक्रेसी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हम वही कर रहे हैं। ठीक है, वही उसी को ही फॉलो कर रहा है। ये बेसिकली सिंपल कॉलोनियलिज्म का मतलब था कि कोई भी एक बड़ी पावर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करे किसी भी डिपेंडेंट एरिया को, वो चाहे अफ्रीका का कोई लैंड हो, सब कॉन्टिनेंट का, किसी भी इकोनॉमिक पर्पस से किसी भी एरिया को डोमिनेट किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की अब डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे इसकी भी तीन डेफिनेशंस दे दी है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज द एकेडमिक स्टडी ऑफ द कल्चर लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, फोकसिंग ऑन द ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनाइज्ड पीपल एंड देयर लैंड्स। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक अकेडमिक स्टडी है और कल्चर लेगेसी बताती है, जो कि फोकस करती है कि भाई कॉलोनियलिज्म के क्या असरात इंसानों पे रहे और किस तरीके से जो एक्सप्लॉइट हुए थे, जो भी कॉलोनाइजेशन के दौरान जो भी कॉलोनीज एक्सप्लॉइट हुई थी, या जो लोग या लैंड्स एक्सप्लॉइट हुए थे, किस तरीके के कल्चर लेगेसीज, किस तरीके के और दूसरे असरात उन पे पड़े, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, वो सारी चीज़ें पोस्ट कॉलोनियलिज्म हमें बताता है। अच्छा, इसकी मजीद मैंने दो दी हुई हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशंस, आप इसको देख लें, मैं आप लोगों को एक बार रीड करके बता देती हूँ। द हिस्टोरिकल पीरियड और स्टेट अफेयर्स रिप्रेजेंटिंग द आफ्टर मिथ ऑफ वेस्टर्न कॉलोनिज्म, सॉरी कॉलोनियलिज्म, the term can also be used to describe the concurrent project to reclaim and rethink the history and agency of people subordinate under the various form of imperialism. theek hai, iske baad dusri ek definition hai, post colonialism is a specifically postmodern intellectual discourse that consists of reactions to and analyze of the cultural legacy of colonialism, ke aise kya cultural legacies hui, क्या रिएक्शंस हुए आफ्टर कॉलोनियलिज्म के, पोस्ट कॉलोनियलिज्म सोसाइटीज में क्या चेंजेस हुए, क्या कल्चरल चेंजेस हुए, क्या सोशल चेंजेस हुए, उन सारी चीज़ों को, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब।
ठीक है। अच्छा जी, सोशल चेंज अपने हमने स्टार्ट कर दिया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हमने समझ लिया कि वो क्या होता है, कि जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, जब कॉलोनीज आजाद होके क्या कहते हैं स्टेट में, सॉवरन स्टेट में तब्दील हो गई, जैसे सब कॉन्टिनेंट आजाद होके इंडिया पाकिस्तान में तब्दील हो गया था, इसी तरीके से जब वो इंडिया पाकिस्तान में तब्दील हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस आए, क्या थ्योरीज हुई, वो जो वो पीरियड है उसको पोस्ट कॉलोनियल पीरियड कहते हैं हम, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, अच्छा पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्योरीज पढ़ेंगे हम, थ्योरीज देखेंगे क्या क्या थ्योरीज सोशल चेंज की हमें बताई गई हैं, जिसमें चार थ्योरीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है साइक्लिकल थ्योरी, उसके बाद है सोशो कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरी, उसके बाद फंक्शनलिस्ट थ्योरी, लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। पहली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि पहली थ्योरी हमें क्या बताती है। अच्छा जी, साइक्लिकल थ्योरी है जिसका पहला पॉइंट, देयर आर मैनी साइक्लिकल थ्योरीज ईच कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ दीज थ्योरीज टॉक अबाउट डेस्टिनी रादर देन सोशल फोर्सेस। अच्छा जी, यहाँ पे दो वर्ड कैपिटल में लिखे हुए हैं, डेस्टिनी और सोशल फोर्सेस, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहले जुमले में बात ये की गई है कि बहुत सारी साइक्लिकल थ्योरी आई है, ठीक है, और सारी एक दूसरे से उनके जो कॉन्सेप्ट है वो कनेक्टेड है, मतलब पहले किसी ने थ्योरी दी, उसके बाद किसी और थ्योरिस्ट ने उस पर और मजीद काम करके उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, थोड़ा और एडवांस, थोड़ा और डेवलप करके ऐसे डेवलपमेंट हुई। अब डेस्टिनी रादर देन सोशल फोर्स, अब सोशल साइक्लिकल थ्योरी जो है वो डेस्टिनी पे बिलीव करती है कि किस्मत उन किस्मत में था तो सोसाइटीज अपनी किस्मत से चलती हैं, और वो किस्मत पे होती हैं कि किस्मत हुई तो वो डेवलप हो जाती हैं, किस्मत नहीं हुई तो नहीं, ठीक है। लेकिन सोशल फोर्सेस क्या है, सोशल फोर्सेस का कहना ये है, कुछ थ्योरिस्ट ने डेस्टिनी के बारे में बताया और कुछ ने सोशल फोर्सेस के बारे में बताया। अब जैसे कुछ थ्योरी कहती हैं कि भाई किस्मत, वो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं, किस्मत से नहीं होता चेंज, ये सोशल फोर्सेस होती हैं। अब ये सोशल फोर्सेस क्या होती हैं, सोशल फोर्सेस मतलब कल्चर, आइडियोलॉजीज, टेक्नोलॉजी, वैल्यूज, क्या कहते हैं रिलीजन, और आपके एजुकेशन, आपकी सारी चीज़ें, ये सब सोशल फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है, कि ये कुछ ऐसी वजूहात होती हैं और इन वजूहात की वजह से, सोशल फोर्सेस की वजह से सोशल चेंज होता है, इन सारी वजूहात की वजह से सोशल चेंज होता है, ना डेस्टिनी से नहीं होता। चलें ठीक है, पहला पढ़ते हैं, सोसाइटीज चेंज बिटवीन साइकल्स ऑफ नोमैडिक एंड सेडेंटरी वेज ऑफ लाइफ। सेडेंटरी वेज ऑफ लाइफ क्या हो गया, नोमैडिक कौन होते हैं, खानाबदोश होते हैं, जिनका कोई एक एरिया नहीं होता, खानाबदोश बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं। और सेडेंटरी वेज ऑफ लाइफ, सेडेंटरी का मतलब होता है ठहराव, रुका हुआ, ठीक है, एक रुका हुआ, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, चाहे वो वे ऑफ लाइफ हो या सोसाइटी हो, ठीक है। तो इसमें पहले जुमले में जो बात की गई है वो ये की गई है कि सोसाइटीज चेंज बिटवीन साइकल्स ऑफ नोमैडिक एंड सेडेंटरी वेज ऑफ लाइफ, वो नोमैडिक और सेडेंटरी वेज ऑफ लाइफ में सोसाइटीज चेंज करती हैं। और ये किसने कही, इब्ने खल्दून ने 1400 सेंचुरी, मतलब 15वीं सदी में उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। नोमैडिक सोसाइटीज अल्टीमेटली कॉन्कर सेडेंटरी सोसाइटीज। अच्छा, नोमैडिक सोसाइटीज़, उन्होंने ये कहा कि जो क्या कहते हैं, क्योंकि सेडेंटरी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कोई भी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, वो जैसा होता है वो वैसे ही रहती हैं, और जो सोसाइटीज़ ऐसे रहती हैं उनको अल्टीमेटली कौन कॉन्कर कर देता है, नोमैडिक सोसाइटीज़। अब नोमैडिक सोसाइटीज़ खानाबदोश होते हैं, खानाबदोश जो उन पे ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो क्या कहते हैं थोड़े से एफर्ट्स करते हैं और वो कॉन्कर कर लेते हैं उन सोसाइटीज़ को, ठीक है। ये उनका कहना था, ये उनका पर्सपेक्टिव था सोशल चेंज के हवाले से, सही है। दूसरा देखते हैं,
ऑल सोसाइटीज गो थ्रू अ साइकिल ऑफ बर्थ मैच्योरिटी ओल्ड एज एंड डेथ. सही है. ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने ये हमें बताया 1926 में ओस्वाल्ड ने कि जो सोसाइटीज होती हैं वो एक साइकिल के तहत चलती हैं, जैसे ह्यूमन एक साइकिल के तहत चलता है. ह्यूमन साइकिल होता है ना कि इंसान पैदा हुआ, वो अपनी जवानी में आया, वो अपने बुढ़ापे में आया और फिर उसका खत्म, इंतकाल, डेथ. ठीक है, उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म. इसी तरीके से उनका कहना है कि सोसाइटी भी इसी साइकिल से चलती है. वो वजूद में आती हैं, वजूद में आने के बाद वो अपनी मैच्योरिटी में आती हैं कि वो डेवलप होती हैं, फिर डेवलप होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने के कहते हैं फॉल में चली जाती है. वो है ना जिस चीज का उरूज है उसका जवाल भी है. अक्सर आपने सुना होगा कि इतना उरूज है तो ये जवाल में भी चली गई. राइजन और फॉलन के बारे में बात कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस साइकिल के तहत जो सोसाइटी वजूद में आई है उसको एक दिन जवाल में जाना ही जाना है, उसने खत्म होना ही है. ठीक है, उनका बताने का मकसद ये है. वो इस साइकिल से लेते हैं कि भाई एक सोसाइटी डेवलप हुई, वजूद में आई, अब वो खत्म जरूर होगी. ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो कि जिनका बहुत जो राइज हुई बाद में नहीं रही, खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अभी भी चल रही हैं और डेवलप हो रही हैं. वो हम आगे एग्जांपल्स आपको जैसे जैसे मैं एग्जांपल देती जाऊंगी आपको समझ आता जाएगा ये कॉन्सेप्ट के क्या है. ठीक है. अच्छा, तीसरी जो थ्योरी साइक्लिकल की है कॉन्सेप्ट, वो है आर्नोल्ड है. 1945 में उन्होंने हमें बताया सोसाइटीज गो थ्रू ग्रोथ एंड डिके बट सिविलाइजेशन लर्न फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर्स. क्या कि जो पहले हो चुका उससे सीखना. ठीक है, यहाँ पे सोसाइटीज, उन्होंने कहा कि सोसाइटीज ग्रोथ में आती हैं और वो जवाल में भी जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी जवाल में जाए, जरूरी नहीं है. इसकी एक मिसाल है, जैसे सूरज उगता है, हमें पता है कि सूरज रोज उगता है. ठीक है, रोज वो क्या कहते हैं उगता है और रोज तुलू भी होता है. ठीक है, अब लेकिन नेक्स्ट डे हमें पता है कि सूरज फिर से उगेगा, ये नहीं कि सूरज सनराइज होगा ही नहीं. ठीक है, ये तो नहीं है ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अगले दिन सनराइज होना है, सुबह होनी है, हर रात के बाद सुबह होनी है. इसी तरीके से उन्होंने बताया कि सोसाइटीज अपनी ग्रोथ और डिके से क्या कहते हैं सीखती है, सिविलाइज्ड होती है और उनसे सीख के उसको अमल करती है और जो चीजें नहीं होती उसको रिप्लेस कर देती है. प्रेडिसेसर का मतलब यही होता है कि वो उस वक्त अपने जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी सोसाइटी में एक में गलतियां हुई, उन गलतियों से सीख के और वो गलतियां दोबारा नहीं करती. ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाती है. सही है. देयरफोर the cycle builds and goes to a higher point every time. ठीक है, इसीलिए हर सोसाइटी का जो ये साइकिल है वो हमेशा हायर पॉइंट पे जा रहा होता है, क्योंकि जब जैसे एक सोसाइटी आई उसने वो, लेकिन वो सोसाइटी खत्म हो गई, बट वो उसने इतना सीख लिया और वो ग्रो कर गई उससे, अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से. उसने पहले ही चेंज देख लिया था कि भाई ये गलती हमें नहीं दोहरानी, और इससे क्या है वो डेवलप होती चली गई बाय द मीन ऑफ टाइम. ठीक है, विद इन टाइम वो डेवलप होती चली गई. अच्छा, चौथी थ्योरी है, सॉरी, दीज थ्योरीज वर रिप्लेस्ड बिकॉज दे फेल्ड टू एक्सप्लेन सोशल रीजंस व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस फेलियर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अच्छा, साइक्लिकल थ्योरीज हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि वो कुछ चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी, वो रीजनिंग नहीं दे पाई थी. उन्होंने बताया कि ये डेस्टिनी है कि उसका जवाल आता है, वो उरूज पे है तो उसका जवाल भी आएगा. ठीक है, और ये एक डेस्टिनी है कि वो खत्म भी होगी, अगर उसका जवाल आया तो खत्म हो जाएगी और दूसरी जो सोसाइटी बनेगी वो उसके खत्म होना उसकी डेस्टिनी में था. ठीक है, और जो दूसरी सोसाइटीज आई, जो दूसरे उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटीज का फॉल और डिके होता है, लेकिन वो सिविलाइजेशन
इतनी सीख लेते हैं कि जो पहले गलतियां हुई वो बाद में नहीं दोहराते और उसी तरीके से वो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करते रहते हैं। लेकिन वो क्या गलतियां थी, वो क्या प्रोग्रेस थी, वो क्या डेवलपमेंट थी, वो क्या रीजन से, सोशल रीजन से जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस हुआ या वो फेलियर हुआ या डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हुई, ये बताने में साइक्लिकल थ्योरीज ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, जिसकी वजह से इनको रिप्लेस किया गया डिफरेंट और थ्योरीज से। ठीक है, देयर फॉर अदर थ्योरीज वर डिवेलप टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब देने के लिए कि वो कौन से सोशल रीजन से और वो कौन से क्या कहते हैं ऐसे कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से इन सोसाइटीज में क्या कहते हैं डेवलपमेंट या फेलियर या प्रोग्रेस आया था, वो सोशल रीजंस कौन से थे। और ये हम आगे जो हमारी थ्योरीज आएंगी उनमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन से सोशल रीजंस थे और वो थ्योरीज किस तरीके से उनको डिफाइन करती हैं। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी डिफरेंट थ्री थ्योरीज हैं उसको देखेंगे कि वो डिफरेंट थ्री थ्योरीज हमें क्या बताती हैं, वो सोशल चेंज किस तरीके से आया और सोशल चेंज के फिनोमेना को वो किस तरीके से हमें समझाती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।